बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तस्लीम सजाद, चैनल वॉइस ऑफ कतर में आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, क्या सऊदी अरब की फ़्लाइट 20 अगस्त से जो है ओपन हो रही हैं? इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान से ट्रैवल करने वाले हैं, वैक्सीन जिन्होंने लगवाई हुई है, चाइना वैक्सीन जिन्होंने लगवाई है, उनके लिए एक बुरी खबर है, वो भी मैं आपके साथ जो है डिटेल से शेयर करूंगा। और फ़्लाइट्स में क्या सच्चाई है, क्या वाकई जो है 20 अगस्त से जो है सऊदी अरब की फ़्लाइट पाकिस्तान के लिए ओपन की जा रही हैं, डिटेल से इसके बारे में बात करूंगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, वीडियो को कोई भी हिस्सा आपने स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन के हवाले से नई शर्त रखी गई है पाकिस्तानी लोगों के लिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानियों को अभी फ़िलहाल उम्रे की इजाज़त नहीं मिली है, आप अभी फ़िलहाल पाकिस्तान से उम्रा पे नहीं जा सकते। इसमें वजह जो बताई गई है वो है वैक्सीन। वैक्सीन के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने एक नई शर्त रखी है पाकिस्तानी लोगों के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि जो लोग पाकिस्तान में चाइना वैक्सीन से वैक्सीनेटेड हुए हैं, उनको एक बूस्टर लगवाना होगा अमेरिकन वैक्सीन का, जो कि ज़रूरी है और लाजमी करार दिया गया है। क्योंकि अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर बातचीत कर रही है सऊदी गवर्नमेंट से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों तक अच्छी खबरें जो है आपको मिलेंगी। दूसरी जो दोस्तों यहां पर मैं बात करने वाला हूं फ़्लाइट के हवाले से, दोस्तों सोशल मीडिया पर दो तीन या तीन दिन पहले जो है एक ट्वीट जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें सऊदी गज़ट का ट्वीट बनाकर जिसको बताया गया है कि सऊदी गज़ट की तरफ से कि 20 अगस्त से जो है पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ओपन की जा रही हैं सऊदी अरब में, यानी कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी लोग जो हैं 20 अगस्त से जो है आ सकेंगे। लेकिन ये एक फेक न्यूज़ है और जो ट्वीट है वो ट्विटर जो वहाँ पर ट्वीट दिया गया है वो सारा जो है एडिट किया गया है, इसमें कोई भी अभी फ़िलहाल जो है सच्चाई सदाकत नहीं है। क्योंकि अभी इस तरह से कोई भी जो है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई ऐलान किया गया है, ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से फ़्लाइट के हवाले से कोई ऐलान किया गया है। आप ऐसी जो ये फेक न्यूज़ हैं इनसे बचें, और आप जो हैं ऑफिशियल जो वेबसाइट हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की या सऊदी गवर्नमेंट की, उनको फॉलो करें और आप जो हैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो दोस्तों कुछ जो है आपके लिए अपडेट थी आज, जो मैंने लाजमी समझा कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि सऊदी से काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग जो या इंडिया से या दूसरी कंट्री से भी हैं जो सुनने वाले हैं। तो मैंने इस पे आज लाजमी समझा कि आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि कोई भी जो भाई जो सऊदी में ट्रैवल करने वाला है पाकिस्तान से, तो उनको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।